चंद्राय नमः। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय नमः। अनर्पी चरिंचिरा करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुं जलरसां भक्ति श्रिया हरिपुरट सुंदर दुति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे अस्फुरतुवा सचिनंदना। तो हम लोग तीन दिन पहले आदिल्ला प्रथम अध्याय का कुछ अंश पढ़ चुके थे, उसके एक पेज बच गया था। वक्तव्य बहुल्य ग्रंथ विस्तारे छे डरे विस्तारे न बणी भाषा रात कही अल्पाक्षरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 80 वर्ष की अवस्था में चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किए थे। बहुत सारे भक्तों के आग्रह से वो चैतन्य चरितामृत की रचना किए। हाथ कांप रहा था और डर भी लग रहा था कि ज्यादा विस्तार करूंगा तो हो सकता है पहले ही मर जाऊं। ये सार रूप में प्रस्तुत किए, विस्तार करेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, तो सार सूत्र रूप में दिए हैं। और जिन लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर कह चुके हैं उन लीलाओं को नहीं किए हैं, जो लीलाएं नहीं किए उन लीलाओं को वर्णन किए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की वंदना करके और भी अपने वरिष्ठ और पूर्ववर्ती आचार्यों को नमन करके चैतन्य चरितामृत प्रारंभ कर रहे हैं। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूँ, मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता इति। यह एक कला है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कोई प्रस्तुत करता है, कम अक्षरों में से कभी कभी लेख लिखना होता है। लिखते कि 100 शब्दों में गाय पर लेख लिखिए या कभी कभी 500 शब्द में लिखना है। तो चेतन महाप्रभु की तो लीलाएं अनंत हैं, उन अनंत लीलाओं को कैसे सार रूप में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कहीं विस्तार ज्यादा न हो जाए इसके लिए डर भी रहे हैं कि ज्यादा विस्तार न हो जाए। सुनिले खंडी बेचिते अज्ञान आदि दोष, कृष्ण गाई प्रेमाई बे गाई बो श्लोष गाई बो संतोष। विनित भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा। यही शांति का मार्ग है। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को कोई अगर सुनता है, चैतन्य लीला कथा करी विचार आ विचार करते चीते हवे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अगर कोई सावधानी पूर्वक अपने चित्त में विचार करता है, स्मरण करता है तो बहुत चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है? उसके जीवन में परम शांति प्राप्त होती है और कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम बढ़ जाता है। कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होगा और वही शांति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंद द्वैत महत्व तारे भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व।
यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों भक्ति कार्यों नाम जस तथा उनके दिव्य प्रेम में आदान प्रदानों के रसों को महिमा का वर्णन करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। इसलिए मैंने इसका वर्णन चेतन चरिता में अपने तर्क तथा विवेक के साथ किया है। शिरु पर रघुनाथ पदे यारे चेतन चरिता मृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन किए। चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए तो पूरे विश्व में सब लोग हरी हरी बोल रहे थे, सब लोग हरी ध्वनि कर रहे थे और मिलेच्छ भी हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वो भी हरी बोल कर रहे थे। ब्रजवन थे, मिलेच्छ थे, वो भी हिंदू लोगों को चिढ़ाने के लिए वो भी हरी बोल कर रहे थे। पूरा संसार ही हरी बोल कर रहा था जब जन्म लिए तो, इसलिए उनका नाम गौर हरि हो गया। तो चेतन महाप्रभु जब सची माँ के गर्भ में आए तो हर रोज कोई न कोई देवता आते थे गर्भ स्तुति करने के लिए। जैसे कृष्ण को जब देवकी के गर्भ में आए तो कारागार में देवता स्तुति करने आते थे, तो माँ सची भी देखती थी, उनको लगता स्वप्न देख रही हूँ, कोई न कोई देवता आते थे। अब चेतन महाप्रभु जब उदय हो, जब बंगाल के पूर्व क्षितिज पर मानो चंद्रमा का उदय हुआ है, गौर चंद्र पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और चेतन महाप्रभु पूर्ण है, स्वयं श्री कृष्ण ही है। जब बंगाल के क्षितिज पर उदय हुए तो मानो पूर्णिमा चांद हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र। प्रभुपाद जी ने मायापुर में मंदिर श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रोदय मंदिर, चैतन्य चंद्रोदय मंदिर है मंदिर का नाम है। चैतन्य रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है, जब उदय हुआ तब ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया और जितने भी बंगाल में अब संप्रदाय थे, बहुत सारे संप्रदाय थे, मायावादी संप्रदाय, सब लोग छुप गए। जैसे चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा के चांदनी में चोर छुप जाते हैं, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है और जो भक्त हैं उनको चांदनी रात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुहावनी होती है। तो चेतन महाप्रभु चंद्र का उदय हुआ तो जितने भी नास्तिक थे, मायावादी थे, सब छुप गए। चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर को चोरी करना है तो अंधेरी रात चाहिए ना, तो उसको चांदनी रात अच्छा नहीं लगता है, कब अंधेरा हो कब अंधेरा। तो चेतन चंद्र उदय हुए तो चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश हो गया। सबसे बड़ा ज्ञान का अंधकार है तो चेतन महाप्रभु तो ज्ञान का प्रभास चारों तरफ फैल गया और जितने भी अन्य संप्रदाय के लोग थे जो ईश्वर के विरुद्ध थे, जितने भी मत मतांतर थे, सब लुप्त हो गए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय हो।
तृतीय श्लोकेर अर्थ करि विवरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण अद्वैत अद्वैत ब्रह्मोत् जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश हैं। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्यों से पूर्ण संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। चैतन्य महापुरुष कृष्ण है। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदेय। चैतन्य महापुरुष कृष्ण है और यहाँ पर तुषा कृष्णम गौर कृष्ण है। द्वापर युग में श्याम कृष्ण है, यहाँ पर गौर कृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जो कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं या वर्ण किए हैं, राधा भाव में कृष्ण को वर्ण किए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काज उपासना ब्रज वधू। जो ब्रजनंदन श्री कृष्ण हैं उनको अपना आराध्य मान करके, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, जिनका धाम वृंदावन है, रम्या काज उपासना ब्रज वधू। ब्रज की मनुष्यों ने, ब्रज की वधूटियों ने जैसे भक्ति विकसित किया, उसी भक्ति को चैतन्य महाप्रभु उसी भाव भंगिमा को स्वीकार किए। ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गोपियों की भक्ति है, कृष्ण भक्ति, उसको श्रेष्ठ माने। गोपियों ने श्री कृष्ण का जैसे आराधना किया है, वही भक्ति रस में सबसे उज्ज्वल रस है, सबसे श्रेष्ठ है, माधुर्य है। उसी भाव भक्ति को स्वीकार किए, राधा भाव अंगीकार किए। स्वयं कृष्ण ही अपने भक्ति माधुर्य का स्वादन करने के लिए राधा रानी का अंग कांति और भाव स्वीकार किए, चोरी किए। कृष्ण देखे कि मेरे अंदर क्या आकर्षण है, क्या मधुरिमा है, कितने लोग अपना घर परिवार छोड़ करके मेरे पीछे जोगी हो जाते हैं, स्त्रियां जोगिनी हो जाती हैं। ब्रज की गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पति, अपना घर, सब छोड़ दिया कृष्ण के लिए, और कृष्ण के लिए हमेशा रोती रहती थी। कृष्ण की मेरे अंदर क्या खूबी है, इतने लोग मेरे पीछे चलते हैं। तभी बताने किसी के पीछे बहुत लोग चलते हैं, कोई यानी सोचता कि हाँ मैं भी हूँ, मेरे अंदर कुछ है, तभी तो लोग इतने पीछे घूम रहे हैं। तो कृष्ण सोचे कि इतने लोग अपना भौतिक सुख त्याग करके, राजपाट छोड़ करके, बड़े बड़े राजा भी वृंदावन में जोगी हो जाते हैं, जैसे भर्तरी, राजा भर्तरी सब छोड़ करके हो गए, राजा भरत, राजर्षि भरत जो है युवावस्था में सब राजपाट छोड़ करके युवावस्था में अपनी पत्नी को, बच्चे को, राजपाट मलवक त्याग दिए और जंगल में भजन कर लिए। अनेक राजा युवावस्था में राज त्याग करके भक्ति किए, योगी बन गए। छह गोस्वामी भी त्यक्त्वा तोरणमशेष मंडल पति श्रेणीं सदा तुक्षवत्, त्यक्त्वा तोरणमशेष मंडल पति, मंडल पति थे, पृथ्वी के राजा जैसा थे, लेकिन सब कुछ को शक्ति के जैसा त्याग दिए। श्रेणीं सदा तुक्षवत् और कैसे है, कौपिन कंता से तो कौपिन और कमंडलू ले लिए और शुष्क रोटी चना चिवाय भोग परिहरी, एक वृक्ष तले एक रात्रि शयन,
ऐसा वैराग्य किए कि रोटी सूखा खा करके जीवन यापन करते, जो कि राजा थे, राज परिवार में जन्म लिए थे और एक पेड़ के नीचे कहीं रात रहते थे कि पेड़ में बहुत आसक्ति हो जाएगी, पेड़ बहुत छायादार है, होता है बहुत सघन है, पानी नहीं गिरता है, कोई कोई पेड़ क्या बहुत सुखद होता है, बड़ा अच्छा गर्म होता है, पानी भी नहीं आता है, बरगद का विशाल पेड़ हो तो पानी भी नहीं आता। तो एक पेड़ के यहाँ एक रात्रि रहते थे, कहीं पेड़ में न आसक्ति हो जाए, कभी कभी झगड़ा हो जाते थे, यहाँ मैं आसन लगाता हूँ या यहाँ क्यों लगा दिए। एक बार दो राजा बैराग हुआ, भर्तृहरि को और गोपीचंद। राजा गोपीचंद बंगाल के राजा थे गोपीचंद, और इधर भर्तृहरि को बैराग हो गया, बैराग हुआ तो राज छोड़ करके वृंदावन में चले गए। एक दिन दोनों राजा एक पेड़ में खूंटी के लिए लड़ रहे थे, राघव महाराज, मैंने सुना मुंबई में, ये पेड़ में एक शाखा था उसमें झोला और कंबल लटकाने के लिए, यहाँ मैं कंबल और झोला कमल लटका क्यों रखती है। दोनों लड़ रहे थे तो एक बुढ़िया सुन रही थी, बुढ़िया ने कहा कि क्या तुम लोग कैसा भक्त है, एक खूंटी के लिए लड़ रहा है, मैंने सुना है भर्तृहरि राजा राज पर छोड़ करके बैराग लिए हैं और राजा गोपीचंद, वो दोनों वही थे, बुढ़िया नहीं जानती थी, बोले तुम लोग कैसा भक्त है रे, एक खूंटी पर क्षमा रखने के लड़ रहा है, राजा भर्तृहरि राज छोड़ करके बैराग लिए हैं और राजा गोपीचंद, तुम लोग कैसा भक्त है, और दोनों वही थे, भागे वहां से, बापू बाप ज्ञान का कपाट खुल गया, इतना छोड़ करके आए, राजपाट छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए और एक खूंटी के लिए लड़ रहे हैं, भागे वो लोग। कभी कभी होता है ना, आदमी अपना घर, अच्छा घर, बंगला है, एयर कंडीशन रूम है, बहुत सुंदर शौचालय है, अनेक नौकर चाकर हैं, वो छोड़कर बैराग ले लेता है और मंदिर में कभी जाकर के आदमी छोटा छोटा चीज के लिए झगड़ता है कि हमको प्रसाद नहीं मिला, हमको अच्छा रूम नहीं मिला है, तो अच्छा छोड़कर प्यार क्यों हो, घर तो बहुत अच्छा था, ईस्ट ऑफ द बेस्ट होम इज द बेस्ट, आपका घर ही ना अच्छा था, जब बैराग लिए हैं तो घर ही अच्छा था, बैराग लिए तो सब सामंजस्य बैठाना है ना, जब आदमी बैराग लेता है तो अपने से वॉलंटरली स्वेच्छा से अभाव को स्वीकार करता है, स्वेच्छा से कम खाता है या रूखा सूखा खाता है, अच्छा मिलता भी है तो नहीं खाता है। बैरागी भाई भालो ना खाइबो, भालो ना परिबो। तो चेतन महाप्रभु राधा रानी के अंग और भाव को चोरी किए, देखे कि हमारे पीछे इतने लोग घर छोड़ देते हैं और इतना परेशानी उठाते हैं, क्या है मेरे अंदर, उस रस का मैं भी तो आस्वादन करूं। कभी कभी गाय अपना दूध पीती है, देखे कि नहीं आप लोग, कभी कोई कोई गाय अपना दूध पीने की आदत है तो गाय बछड़े को भी नहीं पी, अपनी पी जाती है, कोई कोई गाय ऐसा होती है अपना दूध खुद पीने लगती है, तो लोग गोबर लगा कर रखते हैं ठंड में कि पिए ना, आपका अनुभव होगा ना, हम लोग गाय देखे हैं, आप देखा कि नहीं कभी, ठीक है ना, कभी कहीं गाय अपना स्तर का दूध पीने लगती है तो वाले लोग गोबर लगा देते हैं, तो दिल लगा देते हैं तो खुद पी जाएगी, छुट्टी है अपना दूध चुरा कर पी रही है, तो भगवान भी चोरी करके अपनी मधुरिमा का आस्वादन करने लगे, चोरी करके, भगवान तो चोरी किए ही है ब्रज में, तो आदत तो है ही है ना चोरी करने की, शिराधिकाया हृदयस्थ चौरम चौरा गर्गन्नम पुरुषम नमामि, भगवान चोरों में चूड़ा मणि है,
कभी माखन चुराते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, भगवान का नाम ब्रज में है कि माखन चोर है, प्रसिद्ध नाम है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भगवान चित चोर हैं, हृदय को चुरा लेते हैं, भगवान हृदय को भी चुरा लेते हैं और श्री राधिका के हृदय को चुरा लिए हैं और उनके अंग कांति को भी, उनके हृदय को। कृष्ण का हृदय बड़ा कठोर है और राधा रानी का हृदय बहुत सरल है। स्त्रियों में दया ज्यादा होता है, राधा रानी मातृपक्ष का नेतृत्व कर रही हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान राधा रानी के मातृत्व भाव को प्रकाशित किए, भगवान ही राधा रानी के तरफ मातृत्व, माताओं में क्या करुणा है, दया है, इसलिए कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी में ज्यादा दया है। तो दया होगा, करुणा होगा, तभी किसी पर करुणा करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, महावदान्य है। अन्य अवतारों में बहुत असुरों को मारे निर्दयता पूर्वक, दया नहीं थी। बहुत सारे नृसिंह अवतार में, बामन अवतार में, बरा अवतार में, परशुराम अवतार में, सब अवतारों में तो मार ही रहे थे, मार ही रहे थे। राम अवतार में भी मार, राम अवतार में जब दंडकारण्य से जा रहे थे, भगवान राम दंडकारण्य से जा रहे थे तो देखे ऋषियों के हटी का पहाड़ लगा था, असुर लोग ऋषि मुनियों को खा करके हड्डी का ढेर लगा दिए थे, जैसे धान का ढेर लगता है। दंडकारण्य से भगवान राम जा रहे थे तो देखे तो बड़ा मन में ये हुआ, ये क्या है। तो कुछ ऋषि लोग कहे कि प्रभु हम लोग तो बहुत भय में यहाँ जीवन यापन करते हैं, यहाँ के असुर लोग ऋषि मुनियों को खा करके सब हड्डी का ढेर लगाए हैं। भगवान वही प्रतिज्ञा किए कि मैं असुरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा। तो सीता जी तो साथ नहीं थी, बोले ये क्या कर रहे हैं आप, अरे कितना मारिएगा, कितने अवतारों में आप मारे हैं, ऋषि अवतार में मारे हिरण्यकश्यपु को, उसके सेना को, बड़ा अवतार में हिरण्याक्ष को मारे, परशुराम अवतार में तो 21 बार अभिमानी राजाओं का वध किए हैं, बामन अवतार में भी आपने वध किया है, अब तो रहने दीजिए, मारने से क्या फायदा है, इनका चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, इनका मनोभाव बदलना चाहिए। तो बोलते हैं कि जान मत मारो, शान मार दो, किसी का जान नहीं मारना चाहिए, उसका हृदय परिवर्तन कर देना चाहिए, उसको ऐसा ट्रेनिंग दीजिए। सीता जी ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, कितना मारिएगा, मारने से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है। तो भगवान कहे कि इस बार छोड़ दो, इस बार एक बार और काम कर लेने दो। फिर कृष्ण अवतार में भी वही, कृष्ण अवतार में तब उनको याद आया कि मैंने प्रतिज्ञा किया था दंडकारण्य में कि अब आगे नहीं मारूंगा। तो कली युग में तब विचार किए कि कैसे भक्त बनेंगे और कैसे करुणा करेंगे, भगवान जल्दी करुणा नहीं करते हैं, कृष्ण जल्दी नहीं कृपा करते हैं, कि भक्ति दिया मुक्ति दिया यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण रखे लुकाइए। कृष्ण अपनी भक्ति को लुकवा कर रखते हैं, लुकाइए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भोजपुरी के जो बंगला में मिलते हैं, लुकाइए मैं लुकवाना, क्या लुकाओ तला। तो भगवान अपनी भक्ति को लुकवा कर रखते हैं, जल्दी नहीं देते हैं, कोई भक्ति में आता है तो उसको भक्ति मुक्ति दे देते हैं, भोग की वस्तुएं दे देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन स्वभक्ति जल्दी नहीं देते हैं। स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए,
सत्य की भाई दान करना है, कोई कंजूस को करोड़ों रुपया दे दिए, दे दीजिए, तो नहीं बांट पाएगा। उदार होगा तब न बांटेगा। तो कृष्ण देखी कि राधा रानी बहुत उदार है, बहुत करुणामयी है, करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। तो बोले इनका हृदय लेंगे, तो उनका हृदय लेकर के और उनका गौरांगी राधा भी तप्त कांचन गौरांगी, तप्त सोने जैसा है, तो उनका स्वरूप भी लिए और हृदय भी लिए, तो गौरांग सुंदर बन करके सबको भक्ति जो है वितरण किए, किसी को मारे नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। एक बार चेतन महाप्रभु कहे कि सुन सुन नित्यानंद, सुन हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रचार, प्रति गृह जाओ कर हरि नाम दीक्षा, कह कृष्ण भज कृष्ण कर कह कृष्ण शिक्षा। जी है, एक बार चेतन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नित्यानंद बोले कि सुनिए सुनिए, सुन सुन नित्यानंद, सुन हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रचार, आप घर घर जाओ हरिनाम की भिक्षा करो, सबसे निवेदन करो कि एक बार कृष्ण बोलिए, कृष्ण का नाम लीजिए, यही भिक्षा में मांगना है, घर घर जाइए और हरिनाम बोलवाइए, प्रति गृह जाओ कर हरिनाम भिक्षा, कह कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, से बोल रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर चले बंगाल में, घर घर जा रहे थे, दरवाजे दरवाजे के कि भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम। तो रास्ते में जगाई मधाई थे, बड़े डाकू थे और शराब पी करके हमेशा उन्मत्त रहते थे, और जो भी रास्ते में मिलता उसको मार करके लूट लेते थे। उनका नाम सुनकर लोग डर जाते थे, इधर जगाई मधाई, तो रास्ता लोग बदल देते थे, कैसे उंगली माल था, मार कर एक उंगली काट करके गले में पहन लेता था। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे तो लोग कहे कि उधर मत जाइए, उधर एक महान डाकू रहता है उंगली माल, बोले नहीं मैं उधर ही जाऊंगा। उधर ही गए बुद्ध, जब घनाघोर जंगल में गए तो बोला रुक जा रुक जा, बोले कि मैं तो रुक गया, भला तुम कैसे रुक सकता है, कौन आदमी है ऐसा बोलने वाला, कौन साहसी आदमी है, बोले भला मैं तो रुक गया, भला मैं तो रुक गया, तुम भला कैसे रुक सकते हो, तुम रुक सकते हो क्या, भला कहे हो कि कौन चुनौती देने वाला है, कटार लेकर आया जैसे चल रहे तो अंधेरा छा गया, सूझबूझ समझ गया कि कोई ये कोई महान व्यक्तित्व है, तो उंगली माल भक्त बन गया बाद में। तो जगाई मधाई जिधर थे नित्यानंद प्रभु हरिदास जा रहे थे, लोग के उधर मत जाइए, जगाई मधाई है मार दे, वो लोग लुटेरे हैं, छीन लेते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास उधर गए, गए तो रास्ते में वो लोग पी करके, कैसे होली में लोग पी करके अंत संपर्क रहे थे, ए जगाई ए बधाई थोड़ा और पी लो, ऐसे बोलते थे, बोलते है ना कि जाम छलका लो, ऐसे बोलते थे आपस में, है क्या तुम्हारे पास, थोड़ा दे दो, अरे हमारा भी खत्म हो गया है, तुम्हारे पास है क्या और मंगाओ, ऐसे बोलते थे पीकर। तो नित्यानंद प्रभु कहे कि भगवान का नाम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, बुलवा रहे थे कि हरे कृष्ण बोलो, ये वो लोग थोड़े बोल रहे थे, और बार बार कह रहे थे, तो उसको ये कौन नहीं है, क्या बक रहा है। तो मधाई मटका जिसमें शराब पीता था, मटकी से ही मारा नित्यानंद प्रभु के सिर में, फट गया मटका जो था ना, मारा तो फट गया, खून गिरने लगा,
तो हरिदास भागे, भाग कर महाप्रभु को चेतन महाप्रभु को सूचना की कि जगाई मधाई ने मार दिया है नित्यानंद प्रभु को, सर फट गया है। तो चेतन महाप्रभु आए और भावावेश में उनको भगवत ऐश्वर्य आ गया और सुदर्शन चक्र का आह्वान किए मारने के लिए। अब वो भाव आ गया, अरे वो उसको भूल गए कि मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि अब मारूंगा नहीं, हरिनाम के द्वारा उद्धार करूंगा, ये भूल गए प्रतिज्ञा को। पापी तत्व जतशील हरिनाम उधारी तार साक्षी जगाई मधाई, जगाई मधाई साक्षी है। तो चेतन महाप्रभु प्रतिज्ञा दिए थे लेकिन भूल गए थे, तो नित्यानंद प्रभु उनको याद दिलाए, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, जब सुदर्शन चक्र का आह्वान किए तो नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु का चरण पकड़ लिए, बोले कि ऐसा मत कीजिए, आप तो प्रतिज्ञा लिए हैं। कैसे महाभारत में भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा लिए थे कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल घोड़ों को चलाऊंगा, रथ चलाऊंगा, भीष्म पितामह का युद्ध देख करके या अर्जुन धाराशाही हो जाएंगे, बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन का रथ भी टूट गया था, ढक गए थे बाणों में, अब मरे न तब मरे, भगवान भूल गए प्रतिज्ञा। और सुदर्शन चक्का रथ का चक्का लेकर के दौड़े मारने के लिए, अर्जुन पकड़ गए, ये क्या कर रहे हैं, आप तो प्रतिज्ञा लिए हैं कि क्यों घोड़ा चलाऊंगा रथ चलाऊंगा, अर्जुन पकड़ गए, ये आप क्या कर रहे हैं, आप प्रतिज्ञा लिए हैं और मारने जा रहे हैं, रथ का चक्का ही ले लिए। तो फिर पितामह भी शांत हो गए, बोले कि बस यही मैं देखना चाहता था। अर्जुन भीष्म पितामह जब भगवान प्रतिज्ञा लिए कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं हरि से अस्त्र ग्रहण लूं, अगर हरि से अस्त्र नहीं उठवाऊंगा तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, सही है ना, मैं गंगा का अगर पुत्र हूं तो इनसे अस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। भगवान तो प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे, अपना मान टले टले जाए पर भक्त मान टलते देखा, अब वृंदावन के कंटक पद पर नंगे पांव मचलते देखा, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को, तो भीष्म पितामह बस यही चाहते। यहाँ पर चेतन महाप्रभु प्रतिज्ञा को ये करके जैसे ही आह्वान किए, नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लिए, नहीं बस बस ये क्या कर रहे हैं, आप तो प्रतिज्ञा लिए हैं इस अवतार में मैं किसी को नहीं मारूंगा, सबको हरिनाम के द्वारा सबका उद्धार करूंगा, हरिनाम से उसको नचा करके जगत को पवित्र कर दूंगा, उसको भक्ति भाव में नचा दूंगा और कृष्ण के रस में उसको सराबोर कर दूंगा, नित्यानंद को याद दिलाए। तो चेतन महाप्रभु के शिवम कृष्ण ही हैं, लेकिन भक्त भाव अंगीकार करके आए, इसलिए सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि चेतन महाप्रभु भगवान हैं, इनको छन्ना अवतार कहा गया है, मैंने अपने को ठग करके आए भक्त रूप में, कहीं नहीं प्रकाशित किए कि मैं भगवान हूँ, बहुत कम लोगों के सामने प्रकाशित किए, जैसे श्रीवास पंडित या सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप का दर्शन दिए, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत पढ़ा रहे थे और चेतन महाप्रभु चुपचाप सुन रहे थे, तो कहे कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोले कि मूल तो समझ में आ रहा है लेकिन व्याख्या नहीं समझ में आ रहा है, मूल श्लोक समझ में आ रहा है लेकिन आपकी व्याख्या नहीं समझ में आ रही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे ये कैसे हो सकता है, तो चेतन महाप्रभु एक एक श्लोक का कई तरह से व्याख्या की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गिर गए, बोले आप कौन है, तब षडभुज रूप का दर्शन दिए, दो भुजाओं में धनुष बाण रघुनाथ और दो भुजाओं में मुरलीधर और दो भुजाओं में दंड कमंडल संन्यास लिए हैं और धनुष बाण लिए हैं, छह भुजाओं में षडभुज रूप का दर्शन दिए, कई लोगों को दर्शन दिए,
लेकिन इसे भक्त रूप में आए। सब लोग यही जानते हैं कि भक्त हैं। हम लोग इतिहास में ही पढ़े थे कि चेतन महाप्रभु भक्ति आंदोलन के एक आचार्य हैं और संकीर्तन का प्रवर्तन किए हैं। संकीर्तन के पितर कमला बताक्ष संकीर्तन के पिता हैं, भगवान हैं, ये कम लोग जानते हैं। लेकिन पुराणों में, महाभागवत में, रामायण में, महाभारत में, गरुड़ पुराण में, अन्य पुराणों में उल्लेख मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार है। भक्त भाव अंगीकार करके आए और अपने भक्ति का स्वयं आस्वादन किए और उसका प्रचार किए। देखे कि मेरे अंदर क्या है, भक्ति रस क्या है, तो उसका स्वयं आस्वादन किए भक्त बन करके और फिर उसका प्रचार किए। तो चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेमो प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे विषय नमः। नमो महाबदान्य सबसे बदान्य अवतार है, जो ऐसे वस्तु को किसी ने नहीं दिया था। सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतारों में शिरोमणि है, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं दिया, भक्ति का दान किए। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण ही है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत विषय नमः। इनका नाम है गौरांग, गौर सुंदर है, श्याम सुंदर, गौर सुंदर है। और इस तरह से भक्ति का स्वागत करके, स्वयं भक्ति का आचरण करके, भक्ति का प्रचार किए, स्वयं आचरित प्रभु जगत ने सिखा, जगत को शिक्षा दिए, स्वयं भक्ति करके शिक्षा दिए। गीता में, भागवत में भगवान बहुत उपदेश किए हैं, लेकिन भक्त नहीं बन रहे थे। कृष्ण सोचे कि मैं बोला हूँ मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। उनके घर में ही इंद्र की पूजा हो रही थी, ब्रज में ही सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे। आवाज सोचेंगे इतना कैसे इनको हम बताएंगे, तो वहां तो गोवर्धन लीला करके सब कुछ समझा दिए कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद भी अन्य जगहों में लोग भक्त नहीं बन रहे थे, उपदेश देने के बाद भी भक्त नहीं बन रहे थे। केवल उपदेश दीजिए और स्वयं भक्ति न कीजिए। ये सुन हमारा जब करना चाहिए तिलक लगाना चाहिए, भोग लगा कर खाना चाहिए, आप खुद ही नहीं करते। खुद सुन हमारा जब न करते हो, तिलक न लगाते हो, भोग न लगे तो कैसे हो जाए, झूठा आदमी ना, ये कहेला खुद करेला नहीं। उपदेश कहा था ना, लेकिन ये को वाला नहीं जब कर, वो जो बोलते हैं चोरा वाला जब किए हैं, मंगल आरती आते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। तो भगवान कृष्ण देखे कि मैं उपदेश तो देता हूँ, लेकिन करूँगा तब ना, कहने से ज्यादा करने का प्रभाव होता है। आप कही मत किसी को, सफाई की झाड़ू उठा लीजिए, सब हाँ डॉक्टर साहब मैं कर, कहिएगा ना डॉक्टर साहब हमारे के हमेशा बोलने झाड़ना है, जब तक तो हमें मिलते हैं ना, कहा डॉक्टर साहब कहने के झाड़ू उठा लेंगे ना वार्डन के सब, अरे डॉक्टर से रह दी नहीं, हम ही कर देते हैं। कहिए मत किसी को, करिए, कहने से ज्यादा करने का प्रभाव है। आप करेंगे ना तो सब करने लगेंगे, भले झूठे लेके इसे करने लगे या बर्तन घिसने लगे। तो भगवान कृष्ण देखे कि मैं उपदेश दिया हूँ, इच्छा धर्म परित्यज्य मान्य कम शरणम ब्रज, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। तब भक्ति स्वयं करने लगे, स्वयं भक्ति का आचरण किए, तब कहते थे तो लोग मान जाते थे, कहना ही नहीं पड़ता था। बुढ़िया उपदेश करे अपने ढेला में ढमनिया खाए, एक बुढ़िया के उपदेश कर दी खुद ढेला में ढमनिया खाते, समय हो गया ना। धन्यवाद। तो चेतन महाप्रभु भगवान है, भक्त रूप में आए, सब तो भगवान आए ही है, हथियार लेकर आए, कोई धनुष बाण लेकर आया, कोई तीर कमान, कोई चक्र लेकर आया। दुर्गा जी तो आठों भुजाओं में हथियार लिए हैं, शिव त्रिशूल लिए हैं,
लेकिन चेतन महाप्रभु कहीं अस्त्र लेकर आए, जगदीश संकीर्तना पर आए, हरिनाम रूपी अस्त्र लेकर आए, आज सबको इसी के द्वारा भक्त बनाए। धन्यवाद। तो चेतन महाप्रभु का आविर्भाव दिवस कल था, कल प्राकट्य दिवस था। स्वयं भगवान भक्त रूप अंगीकार करके आए और जगत को भक्ति रस का शिक्षा दिए, दान किए। फूल फूल हो गया ना जी महाराज जी, ज्यादा ही हो गया था। कीर्तन होगा और फूल सबको फूल दिया जाएगा। कल अबीर गुलाल की होली थी, पूरा भर गया था, घेरा हो गया था, हम भी घबरा गए। उसका प्रभाव है महाराज, अभी प्रभाव है सही। तो बहुत ही सुंदर है। हम लोग गर्भ पूर्णिमा फेस्टिवल 3 दिवसीय जो सेमिनार था, महाराज जी के सानिध्य में हम लोग श्रवण किए महाप्रभु की लीलाओं को। और आगे भी जी महाराज जी पर्याप्त सब लोग अपने अपने आंचल में या कंक्षा में या हाथ में बड़े भगवान प्रस्तुत हैं, भगवान प्रस्तुत हैं। तो फूल से हम कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, आंख में भी नहीं गिरेगा, दम भी नहीं घुटेगा, अच्छा है। बिल्कुल मंदिरों में फूल होली ही होता है, अभी गुलाब के लिए होता है। छूट मिलेगा तो भगवान को भी रख देंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग महाराज जी का हरे कृष्ण महामंत्र सवार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो ये गर्भ पूर्णिमा फेस्टिवल का आज समापन दिवस है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी उपस्थित श्रोता भक्तवृंद का भी, जो कि इतने धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। तो आप सभी भी धन्यवाद। जो हम आप सभी भक्तों के लिए प्रतिदिन पूरा दिन मेहनत करके प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, ऐसे हमारे मंदिर के भक्त देवव्रत प्रभु, धर्मात्मा प्रभु, भानु प्रभु, प्रताप प्रभु, पंकज प्रभु और भी भोला प्रभु और भी इनकी जो टीम है, सभी लोगों के हम बहुत आभारी हैं। हम लोग तो दिन में चले जाते हैं, लेकिन प्रभु जी की टीम पूरा दिन यहाँ पर आके प्रसाद में लगी रहती है। तो प्रभु जी लोग का हम हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांति साहब सुबेस्टॉन और गाड़ी पार्किंग की जो व्यवस्था है, हमारे मंदिर के भक्त राज गोस्वामी, संदीप प्रभु जी और भी उनकी सेवा में जो भक्त हैं, उन सभी भक्तों का भी हार्दिक स्वागत है। क्योंकि उन लोगों ने इस कार्यक्रम को छोड़कर त्याग कर आप सभी लोगों की सेवा में माता जी प्रभु जी जूता चपड़े हाथ खोलिए, हम लोग हैं, सुरक्षा करेंगे, गाड़ी इधर लगाइए, पूरा समय सेवा करते रहे। तो हम सब उनके भी आभारी हैं और महामंत्र सेवा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ये मंदिर डेकोरेशन की सेवा देख रहे हैं, ये हमारे मंदिर के पुजारी ब्रजभूषण प्रभु और उनकी टीम, ब्रजभूषण प्रभु, प्रदीप प्रभु और भी उनकी जो टीम है, ये लोग रात दिन मेहनत करके इतना सुंदर मंदिर की डेकोरेशन करते हैं, किए हैं, इनके भी हम आभारी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ मंदिर जैसे अभिषेक सेवा है या आरती पूजा की सेवा है, जिसमें कई भक्त सहयोग किए, जैसे दुर्लभ भक्ति प्रभु हैं, विवेक प्रभु हैं और किसान, हाँ कृष्णा प्रभु, किसान प्रभु हैं और भी माता जी लोग का ग्रुप है, कविता माता हैं, सुषमा माता हैं, इन सब माताओं का विशेष हम सब आभारी हैं, क्योंकि प्रतिदिन इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार हम लोगों को देखने को प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ जो तीन दिन में जो हमारा तीन दिन का कार्यक्रम हुआ, तीन दिन के कार्यक्रम में अलग अलग माताओं के द्वारा भगवान का बहुत सुंदर ड्रेस, भगवान का वस्त्र, आभूषण सेवा में प्राप्त हुआ। जैसे कि प्रथम दिन की जो ड्रेस था ठाकुर जी का, वो दुर्लभ भक्ति प्रभु की धर्मपत्नी अंजू माता जी के तरफ से था और पिंकी माता जी के तरफ से था। और दूसरे दिन का जो वस्त्र सेवा में था वो सुषमा माता जी के तरफ से था। और जो भगवान के पीछे जो सुंदर सुंदर मुकुट आप देख रहे हैं, आज का मुकुट अलग है, कल का मुकुट अलग था, ये कविता माता जी के तरफ से था। आज का जो कपड़ा है, आज का जो वस्त्र सेवा में प्राप्त हुआ है, माया चाट अशोक जी के तरफ से प्राप्त हुआ है। तो इन सब भक्तों का बहुत योगदान है और इन सब भक्तों ने बहुत प्रकार से हमें उत्साह दिया है, ताकि हम लोग इतने सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तीन सब के हम लोग विशेष आभारी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रदीप प्रभु जी जो कि हमारे इस सेक्टर के मीडिया प्रभारी हैं, देखते हैं कि सारा काम छोड़कर बाकी कुछ काम हो या ना हो, लेकिन लाइफ में कहीं से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे टीवी का कनेक्शन हो, चाहे लाइव हो। और इन्हीं का योगदान है कि हम लोग आगे भी महाराज जी के मुख से होने वाले कथा का श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी सेवा है, तो प्रभु जी के भी हम लोग बहुत बड़े आभारी हैं। साथ ही साथ शत्रुघ्न प्रभु जी जो कि इस कार्यक्रम में चार चार लगाने के लिए बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं, तो कार्यक्रम के जान है हम लोगों के, नरहरी अच्छा गाते भी। आज शुरू में महाराज जी जो कीर्तन हो रहा था, लग रहा था हम लोग तो बाहर थे, लेकिन लग रहा था कि मायापुर में है, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था। और बहुत सुंदर, अभी भक्त बहुत कम आए थे, लेकिन उस समय जो कीर्तन हो रहा था, लग रहा था कि हम लोग कीर्तन मेला में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे मंदिर के भक्त नरहरि करुणादास प्रभु जी जो कि बहुत सुंदर कीर्तनीय हैं और कीर्तन का रसा स्वादन हम भक्तों को कराते हैं। साथ ही साथ इस पूरे मैनेजमेंट के, पूरे कार्यक्रम के जो आधार है, रीता माता जी जो कि डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी है और सुमित प्रभु जी, इनके देख रेख में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और भी कई एक भक्त हम आए तो देखे कि पुष्प चयन में लगे हुए हैं, एन के प्रकार से किसी भी प्रकार से सेम आठ वाली माता जी, क्या नाम है उनका, सरोजनी माता जी, वो प्रतिदिन आरती पूजा का प्लेट जो होता है धोना, मंगला आरती आना, सेवा करना, तो मुन्ना प्रभु हैं जो कि बहुत बड़ी सेवा है सबके जाने के बाद, कल देखिए घूम घूम जो हमारे पुजारी जी के तरफ से सेवा था और सब भर गया था पूरा, उसका प्रभाव देखिए फूल के ऊपर अभी भी है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी, है ना। एक एक चीज सब कुछ गंदा हो गया था, सब लोग तो अपने घर चले गए, लेकिन हमारे मुन्ना प्रभु जी जो कि इतने विनम्र भक्त हैं कि प्रतिदिन
चाहे फेस्टिवल्स हो महाराज जी चाहे न हो, प्रतिदिन गद्दा हटाना, सब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसके बाद सबसे अंत में घर जाना, ये बहुत बड़ी सेवा है उनका भी। मुन्ना प्रभु जी आप हैं यहाँ पर, महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, आइए सबको दर्शन दीजिए मुन्ना प्रभु, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। और भी भक्त हैं जो अभी भी बाहर में, प्रताप प्रभु भी आइए, जो कि बहुत दिन रात प्रभु जी, वो तो बोलते हैं कि हमें इतना चिंता रहता है कि हमें नींद भी नहीं आती, नींद का गोली लेना पड़ता है उनको सोने के लिए। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि मुन्ना प्रभु को भी लेकर आइए, देखिए महाराज जी आ रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि देखने में नहीं लगता, छिपे रहते हैं कहीं किनारे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन सेवा इतनी इनकी महान है कि क्या कहा जाए। और भी भक्त हैं जो कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले नीतीश प्रभु पूरे कैंपस को साफ किए, झाड़ू लगाए, यह है हमारे मुन्ना प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और ये है हमारे प्रताप प्रभु, इनके छोटे भाई हैं भानु प्रभु, ये दोनों भाई गौर पिताई की तरह हमारे मंदिर के दो पिलर हैं, और सारी सेवाएं सब कुछ चाहे जो भी आप सेवा कर दीजिए लगे रहते हैं। और मैं बता रहा था कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूरे कैंपस को साफ करना, जितना कचरा पड़ा हुआ था सबको अपने हाथ से चुन चुन कर फेंकना, झाड़ू लगाना, जिसमें श्रवण प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है, गमला प्रभु जी है, हमारे पंकज प्रभु जी थे, संदीप प्रभु जी थे, जो कि पूरा दिन अपने हाथों से रेती हटाना, गिट्टी हटाना, अलग अलग कपड़ा, प्लास्टिक के जूते, सब चीज अपने हाथों से उठा उठाकर फेंकना, झाड़ू लगाना, तब हम लोग इतने सुंदर कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका आनंद ले पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे मदन मोहन जी की टीम बोलते हैं कि प्रभु जी हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें नीतीश प्रभु हैं, विक्की प्रभु हैं, मनीष प्रभु हैं, इन लोगों का जो टीम है, गौरव प्रभु हैं, इन लोगों का टीम जो है मदन मोहन जी के साथ में, सब लोग चले जाते हैं तो मदन मोहन जी पूरा एकदम ओपन सेवा करने के लिए उतर जाते हैं फील्ड में, और सारे भक्तों के साथ पूरी तरह से सेवा करना। डस्टबिन में आप खाकर प्लेट छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो डस्टबिन साफ रहता है, कौन साफ कर रहा है। ये सारी सेवा मदन मोहन जी की टीम का है, तो इन सारे भक्तों का भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। और भी जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, जो एक एक प्रकार से सेवा में लगे हुए हैं, सभी लोगों के लिए हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणों में मंगल कामना करते हैं, और उनके लिए शुभ आशीर्वाद कामना है कि ऐसे ही उनकी रतिमति भगवान की सेवा में लगी रहे, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई की तरफ बढ़ा सके, और आप लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को अंकुरित कर सके। आप भी भगवान का भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, और अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कीजिए। दुआइए इन सारे भक्तों का हम हरे कृष्ण महामंत्र से भार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और भी एक टीम छूट रही है, जो कि अभी भी संतोष प्रभु हैं, मधुकुंज वस्त्रालय हैं, मनीष प्रभु के यहाँ जो काम करते हैं, प्रभु जी अपना नाम तो नहीं याद है, अमित प्रभु, तो कई एक भक्त अभी भी बाहर में फूल चयन कर रहे हैं, जिससे हम लोग भगवान का अभिषेक करेंगे और उसी फूल से हम लोग होली खेलेंगे। तो इन सारे भक्तों का हरे कृष्ण महामंत्र से स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। और अब हम लोग महाराज जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर कीर्तन का आनंद लेंगे, इसके बाद रसिया होगा, होली होगा, आज अंत है, अब इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, अब मिरेकल होने वाला भी होगा महाराज जी, तो अब सीक्रेट हमें भी पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो अब
आ जानता है कुछ कुछ कानों में शब्द आ रहे थे लेकिन अभी पता नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो उत्सव है, आनंद है। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, इतना हम आश्वस्त करते हैं कि जो भी होगा कल की तरह नहीं होगा, अच्छा होगा और हम लोग भरपूर आनंद लेंगे। और इसके बाद सभी लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसादन की व्यवस्था है। अगर जितना समय आप आनंद लेना चाहे आनंद ले, प्रसादन कुछ देर के बाद चालू कराया जाएगा, जिनकी इच्छा होगी आप ले भी सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज इस सत्र का अंतिम दिवस है, अंतिम दिवस है, इसलिए आप अधिक से अधिक कीर्तन भजन रसिया होली नाचिए गाइए झूमिए, फूलों की होली खेलिए, इसका आनंद लीजिए, प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी लोग के सहयोग से 3 दिवसीय गौर पूर्णिमा